अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर अंजू ने नया तमाशा लगा रखा है। वहीं दूसरी जानिब सीमा हैदर को ऑफर मिल चुका है फिल्म में काम करने का। पता नहीं कौन से घटिया डायरेक्टर को इसका डांस पसंद आ गया है, इसी के ऊपर वो फिदा हो गया, अब इसको ये फिल्म में लेना चाहता है। लेकिन सीमा हैदर ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो जरूर काम करेगी फिल्म में, लेकिन क्लीन चिट मिलने के बाद। जी ने ऑफर दी है मुझे तो वो मैं एक्सेप्ट करूंगी, पर पहले क्लीन चिट आ जाए उसके बाद। हाँ तो वो तो ठीक है, जो बताया तूने, तूने क्या किया मेरे से, तूने चलो ठीक है, वो तो तू 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 जो ओ हेलो तू जाके पाकिस्तान में नाच रही है, कूद रही है, वो अच्छा लग रहा तेरा तो? हाँ इंसान, अरे मैं क्या बताऊंगा, वो तो नहीं 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 मेरे को नहीं बताना कुछ भी। लेकिन जहां तक अंजू की बात है, अंजू को एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जिसका नाम है सनाया सबील, जो कि पीटीआई की पॉलिटिशियन है, ये उल्टी सीधी बातें सिखा रही है। यार बताएं, इंडिया वाले चैनल से पता नहीं क्या कुछ बोले जा रहे हैं कि शायद यहाँ पे फातिमा अंजू जो है खुश नहीं है। अरे इंडिया चैनल की देखो कोई बात नहीं है, वो उनका काम है, उन्हें तो वीडियो बनानी है। और जब ओरिजिनल वीडियो इन लोगों ने बनाया था तो वॉइस शायद नहीं आई थी सही, इसी वजह से बाद में डब कर डाल रहे हैं। ये लेवल तक ये लोग गिर चुके हैं, उनको अपना नंबर बनाने हैं। रियल तो ये है ना कि मैं यहाँ हूँ, अगर मुझे ऐसा कुछ होता तो मैं बोलती ना, पर मैं यहाँ पे कितनी आज़ाद हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, कितनी आज़ादी से घूम रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने सुना है कि वहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ लड़कियों को फंसाते हैं, एजेंसियाँ से बना रखी हैं, बुलाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और इतनी आज़ादी है, इतना पीस ऑफ माइंड। कुछ भी कहने पर ये लोग कह रहे हैं कि मेहमान नवाजी कर रहे हैं, दूसरे की बीवी को भगाना कहां से मेहमान नवाजी हुई। पाकिस्तान के डिस्को मुल्ला दिन भर यूट्यूब के ऊपर इस्लाम इस्लाम करते रहते हैं, लेकिन जब अंजू उनके कंट्री में आए हैं तो तमाम के तमाम डिस्को मुल्ला खामोश है। एक शादीशुदा औरत के साथ रिलेशनशिप रखना, उसको अपने घर से भगाने की क्या सजा है, क्या कोई पाकिस्तान का मौलवी बता सकता है? अभी इनको इस्लाम याद नहीं आता, क्योंकि इस्लाम तो इनको अपनी मन मर्जी से याद आता है। और जहां तक सनाया सबील की बात है, ये तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही है। सोचकर देखिए, अगर इसकी भाव किसी के साथ भाग जाती तब ये क्या करती। जो सऊदी से चंदे के पैसे आ रहे हैं, उसी चंदे के पैसे का इस्तेमाल करते हुए ये अंजू को कपड़े पहना रही है। अगर इसकी बहू किसी गैर आदमी के साथ भाग जाती तब भी ये इस तरह से गिफ्ट देती क्या, इस तरह से शॉल उड़ाती? हराम रिलेशनशिप को ये बढ़ावा दे रहे हैं भीख के पैसे लेकर। सनाया सबील के लिए तो ये नया नया मसला है, इसी वजह से ये रोटी सेक रही है, क्योंकि रोटी सेकने से पहले आटे की जरूरत पड़ती है और इन लोगों के पास आटा ही नहीं है। हमारी बात पर आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इसी सनाया सबील की जुबानी सुना देते हैं। कि क्या पाकिस्तान की गरीब आवाम को आप एक आटा भी नहीं दे सके जो वो सुकून से खरीद सके? और लाइनों में ख्वातीन खड़ी हैं और खड़ी होकर वहां से वो आटे का एक थैला रिसीव करती हैं और बहुत महंगा, और इवन के पैसों के एवज भी उनको आटा नहीं मिल रहा, और ट्रक के नीचे घुस के लाइनों में सारा दिन खड़े हो गए, वहाँ से वो थोड़ा बहुत आटा उनको मिलता है। पाकिस्तान में क्या गरीब जिंदा भी नहीं रह सकता? खाने के लिए सनाया सबील के पास आटा नहीं है, भीख मांगकर सऊदी से ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। और जहाँ तक इन लोगों को सपोर्ट करने वालों की बात है, उनके घर से भी कभी लड़की भागेगी, शादीशुदा लड़की किसी गैर मर्द के साथ, तब उनको अंदाजा होगा, तब वो लोग हलाल और हराम की बात करेंगे। और टूर्स एंड ट्रेवल्स कंपनी वालों को भी मौका मिल चुका है, ये लोग अंजू और नसरुल्लाह को फ्री में टिकट्स दे रहे हैं उमरा करने के लिए। और जहाँ तक हक और बातिल, हलाल और हराम की बात है, कुछ भी इनको समझ में नहीं आ रहा। आप लोगों की क्या राय है इससे मुताबिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।